गांव-गांव जाते हैं, गांव की महिलाओं को जागरूक करना, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसमें सपोर्ट करना। जैसे हम लोग यहाँ पे कैंसर के लोगों को रहने की व्यवस्था कराते हैं, वैसे सरकारी संस्थान भी कैंसर के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। उनको महिलाओं की जो साफ सफाई से संबंधित मुद्दे होते हैं उन पर जागरूक करना, उस पर सहायता करना, तो सरकारी संस्थान भी उसी तरह से काम कर रही है। और हमारी संस्थान ग्वालियर में जनवरी से आई है। सरकारी संस्थान ग्वालियर में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, ग्वालियर ग्वालियर के आसपास के गाँव में, और काफ़ी लोग जानते हैं। तो आज सर हमारे यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को भी कुछ महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे होते हैं जिन पर लोग बात करने से कतराते हैं, उन्हीं मुद्दों पर कुछ बातचीत होगी, कुछ समझाया जाएगा, कुछ जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग भी बस समझिए और जानकारी का फायदा अपने जीवन में भी लेके आइए, और वो जानकारी आपके बच्चों से होते हुए आगे तक भी जाएगी। सबसे पहले तो अपन, मैं यहाँ बोलने नहीं आया, अपन बातचीत करेंगे। बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी लगेगा और हमें भी लगेगा, और कुछ नई चीज़ें हमें भी सीखने को मिलेंगी यहाँ, है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन परिचय कर लेते हैं एक दूसरे से। मेरा नाम अमित द्विवेदी है और मैं महादेव समर्पण सेवा संस्थान से आया हूँ, मैं ही ग्वालियर में रहता हूँ। तो दीदी आपसे शुरू कर लेते हैं यहाँ से। ऐसे क्या नाम है दीदी आपका? अब आप सभी सोच रहे होंगे कि अचानक से ये आवाज़ चली गई और फिर अचानक से ये मेरी इतनी कर्कश ध्वनि आने लगी। असल में क्या है, ये आवाज़ मैं अलग से वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इसमें मैं जो इनसे सबसे बातचीत जो कर रहा हूँ वो हाइजीन को लेकर ही बातचीत कर रहा हूँ, और वही सब बातें हैं, वही सब चीज़ें हैं जो आपने पिछले वीडियोस में देखी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर किया है। बाकी और इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इंटास एक फाउंडेशन है जो इस तरीके की चीज़ें करता है, वो कैंसर रोगियों के लिए एक रहने खाने इन सब चीज़ों की व्यवस्था करता है, और वहाँ पर जितने भी ये पेशेंट थे उनके जो भी अटेंडर थे उन सभी लोगों को हाइजीन अवेयरनेस को लेकर बातचीत का एक सेशन उनके द्वारा ही रखा गया था, जिसमें सभी महिलाओं से, और यहाँ तक कि यहाँ आप देख सकते हैं पुरुष भी बैठे हुए हैं, सभी से इस बारे में बातचीत की गई कि वो हाइजीन को लेकर कितने अवेयर हैं या कितने सिक्योर हैं। अगर अवेयर नहीं है तो क्यों नहीं है, और सिक्योर नहीं है तो क्यों नहीं है। और इसके साथ साथ उनको ये बताया गया कि जब हम एक गंदे कपड़े का उपयोग करते हैं, जिसको आप आगे चल के देखेंगे वीडियो में, तो क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जब आप एक सैनिटरी नैपकिन, एक साफ़ स्वच्छ सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करते हैं तो क्या परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है। और ये अच्छी बात है, मुझे इस चीज़ को लेकर बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं एक पुरुष होकर इस विषय पर बातचीत कर रहा हूँ। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस समय ये स्थिति है कि टीम में एक भी लड़कियाँ नहीं हैं, और हम दो तीन वॉलेंटियर सब मिलकर आपस में ये सेशन चला रहे हैं। ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, कृपा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो इसमें मदद कर देता है, महिला के रूप में मिल जाता है और मदद कर देता है। और बाकी आप लोगों को अगर लगता है कि हम लोगों का काम जेन्युइन है, अच्छा है, आप लोगों को समझ में आता है, ये सही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी आप अगर कुछ कुछ भी किसी भी तरीके से आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप अबाउट में जाकर कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो, वहाँ पर सारी डिटेल है, आप चाहें तो उसके थ्रू संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जो भी आप हेल्प करना चाह रहे हैं वो ज़रूर करिएगा। बाकी आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको सेशन कैसा लगा या ये चीज़ें कैसी लगी। एक छोटी सी जगह पे जाकर, मतलब फाउंडेशन काफ़ी बड़ा है लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन के कई सारे शहरों में और राज्यों में खुले हुए हैं जो लोगों को एक निःशुल्क, हाँ एक चीज़, और ये जो फाउंडेशन है वो सभी लोगों को निःशुल्क यहाँ पर रहना खाना ये सारी चीज़ें मुहैया कराता है, और उनसे कोई भी पैसा नहीं लेता है।
तो इस तरह से हम लोगों का ये सेशन यहाँ पर बातचीत कर रहा और सभी को ये बताया कि हाइजीन क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं, पैड क्या होता है, पैड को डिस्पोज कैसे करते हैं, डिस्पोज करना क्यों ज़रूरी है, पैड यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, कौन से पैड करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल प्लास्टिक पैड भी बहुत सारे चल गए हैं लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल पैड होते हैं वो नुकसान नहीं करते हैं, तो ये भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेशन बड़ा ही ज़ोरदार और बड़ा ही मज़ेदार रहा, सवाल जवाब की प्रक्रिया रही, ये सारी चीज़ें रहीं, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, बीच में मत स्टॉप करिएगा। थैंक यू सो मच। ये कपड़ा है, इसको ऐसे उन्होंने मोड़ा और इसको मोड़ने के बाद ऐसे उपयोग करते हैं। मान लो कुछ देर के लिए कि इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही है उस पर, इस तरीके से हो रही है। ठीक है, इसको कुछ देर हम रोक के रखते हैं। देखो इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही है। अब आप ये देखिए, मैं इसकी एक एक करके हटाता हूँ। देखो इसका कुछ हिस्सा इधर आया, ये पूरा कपड़ा हो गया और मेरे हाथ पे भी ये लग गया। देखो आप इस तरीके से। अब ये होता क्या है कि जब ये जो ब्लड बाहर निकला, जब ये हमारे शरीर पर लगता है, ब्लड खराब नहीं है याद रखना। आप जानते हैं कि जब पीरियड आते हैं तभी ये महिला माँ बनती है, तो आप तो जननी संसार का पालन कर रही हैं। आप एक तरीके से इस प्रकृति को आगे लेकर जा रही हैं और ये प्रकृति की देन है, तो इसमें शर्म क्या बताओ। तो जब ये क्या होता है, जब ये शरीर से लगता है तो ये क्या करता, उस हिस्से पर संक्रमण पैदा करता है, बीमारियां पैदा करता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जिनका बच्चेदानी का इलाज चल रहा होगा, कई लोगों का आपने सुना होगा कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे होंगे उसका इलाज चल रहा होगा। आपने ये भी आएंगे, ये इस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं, इसको हम अपने कपड़े पे इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये अब मान लो इसको ये देखो आप इस तरीके से, ये मुंह बंद मत करो, अभी कुछ नहीं हो रहा है सर, अभी तो हम समझा रहे हैं, जी बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आया, इसमें अब आप ये देखिए, इसमें आप ये देख रहे हैं लेकिन आपने पीछे नहीं देख, पीछे देखो आप ये लीक नहीं किया, मतलब जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। तो इससे क्या होता है कि ये जो ब्लड है, ये जो रक्त जो बाहर निकला, वो तो इन्फेक्शन पैदा नहीं करेगा हमारे शरीर। लेकिन जब हम कपड़े का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण पैदा करता है, इन्फेक्शन पैदा करता है, फिर बीमारियों को जन्म देता है और फिर कई सारी हेडेक। कपड़ा ढूंढना पड़ेगा, वो कपड़ा पहुंचा के काम आ जाएगा घर में, है कि नहीं। तो अब क्या है, हमें इसको उपयोग कर ली, बिना महिलाओं के बच्चियों के आप कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारे पुरुषों की, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम इस बारे में विचार करें, इस बारे में सोचें। और आपको अब आगे से कपड़े का उपयोग नहीं करना है। आपके यहाँ पर भैया क्या करेंगे, एक बॉक्स रख देंगे, उसमें पैड रहेंगे, आप उसमें से ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये तो हो गई यहाँ की बात, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप जहाँ भी रहें, आप अपने आसपास इस बारे में चर्चा करिए, लोगों को बताइए और आप भी इसका उपयोग करिए। और इसके बारे में शिक्षा अपनी बच्चियों को जरूर दीजिए और बेटों को दो तो और भी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बच्चियों से ज्यादा शिक्षा बच्चों को देना जरूरी है। अगर आप, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप पालन करता है, पालनहार हैं, अगर आप शर्म करेंगे तो कैसे ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी, हम कैसे अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। और पुरुष का मैंने कहा कि क्यों जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आप कह रहे हैं अक्सर ऐसा होता है कि 10 में से 8 घर के तो पुरुष ही जाते हैं राशन लेने। बताओ महीने का जो राशन होता है, ये शक्कर चावल दाल साबुन तेल, कौन लेने जाते हैं, पुरुष ही को जाते हैं, थैला लटकाया चले गए लेके आ। तो क्या पुरुष की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने घर की महिलाओं के लिए वो इस तरीके से एक पैड का पैकेट लेकर आए। सर आप लोग कुछ बोलिए इस पे, आपको लगता है आप अभी ले लीजिए, मैं वापस कर देता हूँ।
निकालेंगे उसके बाद वापस करेंगे। स्वच्छ रहें, स्वच्छ रहें, स्वच्छ रहें, स्वच्छ रहें।